देखिए कांग्रेस पुश्तैनी पार्टी है उनकी, भले कुछ भी हो, तीसरा तीसरा कुल है उनका। भाई तिवारी जी रहे, तिवारी जी के बाद सुंदरलाल जी रहे, सुंदरलाल जी के बाद ये रहे, हैं भगवान बाबला को ईश्वर की ऐसी कृपा थी कि वो नहीं रह गए, पर उन्होंने भी पार्टी को नहीं छोड़ा। तो देखिए पद के लिए हम कहते हैं आप काहे के लिए जाएं कि भगवान ने आपको धन संपन्न सुविधाएं तो हैं, पर कुछ असुविधा भी है। जैसे मान लीजिए कि हम हार्ट के पेशेंट हैं, दवाई लेने गए, डॉक्टर साहब ने दवाई लिख दिया, अब बोल दिए कि चलो भाई अस्पताल में आपको वो आयुष्मान कार्ड बना हुआ, आपको दवाई सब फ्री मिलेगी। अच्छा, तो जो गोलियां एक रुपये दो रुपये मिलती हैं वो गोलियां तो दी जाती हैं, और बाकी जैसे जो महंगी गोलियां हैं उनको कहते हैं कि जाओ हॉस्पिटल से बाहर खरीदो, उनको नहीं रोजा के जो सही चाहिए। गुड़ में सोलर प्लांट है, देखिए गुड़ में सोलर प्लांट है, तो वहाँ पर क्या है कि दूसरे दूसरे स्थान से लोगों को ला के रख देते हैं, चमचा लोगों को, अपने अपने फेवर वालों को। राति मवेशी का बोलते हैं तो 100 रुपए मांगते हैं। हाँ। हम तो नहीं ले गए हैं, तो हमको इतना पता नहीं, लेकिन लोग वाग बोलते हैं मतलब उसमें रखने के लिए 200 रुपए लगेगा। हाँ, 200 रुपए लगता है वहाँ। आदमी नेता को यहाँ से जिता के भेज दिया। हम कहते कोई भी पार्टी हो, पार्टी सब अच्छी है, पर हम कहते आप पर मैंने विश्वास किया, आप जीतने के बाद वहाँ गए तो दूसरे पार्टी मिल गए तो आप हमसे पूछने नहीं आए। पैसा लिए हो कि ना ले हो ये बात अलग है, पर माने आपने तो हम पब्लिक से नहीं पूछे जिसने आपको बनाया है, तो आप 5 साल दूसरे पार्टी में सत्ता भोग किए, फिर जब आप 5 साल बाद फिर आया तो आपको लगा कि अब इस पार्टी की सत्ता आने वाली है तो इसमें चले जाए तो इसमें सुख भोग करेंगे, तो हम लोगों को कहाँ सुख मिले। तो पार्टी बदलते रहते हो भाई। नेता का देखिए दृढ़ संकल्प ये है कि हमको थोड़ा ध्यान है कि जब श्री अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री थे उस समय श्रीनिवास तिवारी स्वास्थ्य मंत्री थे, तो स्वास्थ्य मंत्री होते हुए उन्होंने फिर ये मैंने सुना था कि अस्पताल कहीं अन्य थे, संजय गांधी अस्पताल जाने वाली थी, फिर उन्होंने अपने दम पर यहाँ पर रीवा में घोषणा करवाया। उसकी क्या स्टोरी थी? वो ऐसा बताया जाता है कि उनकी इन्वेक्टर कार जो सफेद सफेद रहती थी व्हाइट कलर, तो रातों रात वो आए थे कहीं दिल्ली उल्ली से ऐसी। अच्छा, देखिए तो नहीं जानकारी, पर मान लो ये था तो उन्होंने अपने पद को त्याग दिया, स्वास्थ्य मंत्री पद से हट गए, पर उन्होंने इतने बड़ी हॉस्पिटल पब्लिक को दे दिया, जनता को उससे बहुत बड़ा राहत मिली। देखिए कैसा भी हो सबकी समाहित नहीं ना को जाने के लिए, जैसे शुक्ला जी का है भले कैसा हो, पर हम कहते सुपर स्पेशल बनवा दिया उन्होंने, तो आखिर पब्लिक को सहूलियत तो है, बाकी अब आप हमको भोजन तो नहीं देंगे, भोजन तो हम मेहनत करेंगे तभी पाएंगे। पर सामूहिक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में क्या कुछ सुविधाएं हैं इसे बताइए। उसमें ऐसा है कि कुछ तो सुविधाएं तो हैं, पर कुछ असुविधा भी है। जैसे मान लीजिए कि हम हार्ट के पेशेंट हैं, दवाई लेने गए, डॉक्टर साहब ने दवाई लिख दिया, हम बोल दिए कि चलो भाई अस्पताल में आपको वो आयुष्मान कार्ड बना हुआ, आपको दवाई सब फ्री मिलेगी। अच्छा, तो जो गोलियां एक रुपए दो रुपए मिलती हैं वो गोलियां तो दी जाती हैं, और बाकी जैसे जो महंगी गोलियां हैं उनको कहते हैं कि जाओ हॉस्पिटल से बाहर खरीदो, तो काहे को आयुष्मान कार्ड बताइए। जब हम कहते हैं कि अगर हमारी दवाई 4000 की लिखी गई और 4000 में आपने 500 की सरकारी दे दिया और 3500 को हमको खरीदने की पड़ गई, तो काहे को आयुष्मान कार्ड, क्या फायदा आयुष्मान कार्ड। अच्छा, अब शिवराज सिंह जी के पास हम ना जा पाएंगे, उसे कहें कि भाई हमारे साथ ऐसा हुआ, अगर कोई पहुंचाने वाली बात हो तो मैं सामने कह सकता हूं कि मेरे पास प्रमाण है इस चीज के। दवाई नहीं हुई आपकी? नहीं हुई, मैंने वह प्रमाण कि मैंने प्राइवेट गोलियां खरीदा, प्राइवेट दवाई खरीदा है, तो बताइए कि सिर्फ कागज में सुनाना है तो क्या करें। मतलब रीवा में स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार करना जरूरी है जी, क्योंकि अभी जिस हॉस्पिटल की आपने बात की उसकी अभी सीलिंग भी गिर गई है, छत भी अभी हाल फिलहाल में गिरी है, और जब एक PI को भी गोली लगी थी तो जबलपुर से डॉक्टर बुलाने की जरूरत पड़ी थी। जी हाँ, और हितेंद्र नाथ शर्मा को BR सिंह ने मारे थे। जब यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी ठीक है तो वहाँ से डॉक्टर क्यों आए? देखिए भाई ऐसा है कि हम कहते हैं कि डॉक्टर साहब तो सब पढ़े लिखे हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, भाई यही डॉक्टर अगर दिल्ली में चले जाएंगे तो इनका दिल्ली में नाम चलेगा, इसीलिए तो इस्तीफा दे रहे हैं। डॉक्टरों की लापरवाही नहीं है, और सबसे बड़ी लापरवाही ये है कि हम कहते हैं डॉक्टर ने दवाई लिख दिया, अब बोले कि जाओ आप वहाँ ऑफिस में दवाई ले लो, और वहाँ पर जो दवाई वितरण करने वाले हैं
वो सस्ती सस्ती दवाइयाँ दे दिए, जो महंगी दवाइयाँ कहीं आप आ जा के बाहर खरीदो। अब बताइए, इसकी शिकायत हमारी पहुँच नहीं है भोपाल जाने की, किसके पास करें, कहाँ करें? अपना खी मुदा तो रोबत चले थे घरे के। और शिक्षा व्यवस्था में रीवा विधानसभा किस पायदान में? नहीं, शिक्षा में तो ठीक है, शिक्षा के दृष्टिकोण से तो हम अच्छा ही मान रहे हैं, क्योंकि जैसे हायर सेकेंडरी की परीक्षाएं जो हुई उसमें अपने रीवा जिले के अच्छे स्कूलों में अच्छे अच्छे लड़के परसेंटेज लेकर के आए हैं। तो चूँकि सरकार का हर जगह दोष नहीं दिया जा सकता, हम कहते हैं यहाँ तो व्यवस्थापक दूसरे हैं, हम कहते हैं हॉस्पिटल में डीन है अधिकारी, ये व्यवस्था डीन को करना चाहिए कि भाई क्यों नहीं दवाई दी जाती, क्यों लोगों को बाहर खरीदवाना पड़ता है। अच्छा, एक जो हमारे बिंद में जो युवा है हमारे रीवा जिले में, ये युवा पलायन करते हैं गुजरात, मुंबई, दिल्ली रोजगार के लिए, तो क्या आपके हिसाब से क्या लगता है रीवा में रोजगार की व्यवस्था नहीं? देखिए, रीवा में नहीं है रोजगार, जो सही चाहिए गुड़ में सोलर प्लांट है। देखिए, गुड़ में सोलर प्लांट है तो वहाँ पर क्या है कि दूसरे दूसरे स्थान से लोगों को ला के रख देते हैं, चमचा लोगों को, अपने अपने फेवर वालों को। भाई हम कहते हैं क्या रीवा जिले के सब कर्मचारी थोड़ी वहाँ रखे हैं, भाई चौराहा में फैक्ट्रियाँ हैं, जेपी में फैक्ट्रियाँ हैं, सब है, पर कहाँ रखे हैं यहाँ वालों को? तब ना यहाँ वाले गुजरात, मुंबई, दिल्ली नागाव जाते हैं, यहाँ जो प्राइवेट नौकरी भी देते हैं तो 5-6 हज़ार, 7 हज़ार की नौकरी देते हैं, अब 6-7 हज़ार में एक परिवार कैसे जी पाएगा बताइए। इसलिए लोग प्लान करते हैं बाहर जा करके कि भाई वहाँ पर कम से कम 1500-1600 हज़ार मिलता है, कुछ आधा खा लेंगे तो आधा परिवार को बचा के देंगे। मतलब रोजगार भी रीवा में नहीं? नहीं, जैसा चाहिए। अच्छा, साहब सबसे बड़ी बात यह है कि मैं ही बता रहा हूँ कि मेरे पास सिर्फ 2 एकड़ जमीन है, मेरी उम्र सिमरिया विधानसभा में मेरी उम्र 69 साल है, मैंने शासन से आज तक कोई 1 रुपये की शासकीय मदद के रूप में 1 पैसे मेरे लिए सहयोग नहीं किया गया। हम बिल्कुल किसान थे, पिताजी भी किसान थे, खेतिहर मजदूर थे, हम भी खेतिहर मजदूर हैं। अच्छा, अब क्या है कि साहब बताइए कि 2 एकड़ ज़मीन है, अब 2 एकड़ ज़मीन में अब लोग मवेशी छोड़ देते हैं, अब किससे लड़ाई झगड़ा करने मेरी इतनी औकात है कि मैं उसमें तार बाड़ी लगवा सकूँ, कोई व्यवस्था भी करूँ, तो क्या करूँ? तो मरते हैं अभी, हाँ इतनी की नौकरी करके पेट परोजन चला रहे हैं। मतलब आवारा मवेशी से परेशान है क्षेत्र? बहुत जी, बहुत क्षेत्र परेशान, बहुत कोई सुविधा नहीं मिली भैया। ऐसा है कि आप मवेशी को ले जाओ वहाँ, पहले 1000 रुपये दो उनको, तो मवेशी को बेचते हैं। अच्छा, बेचने के लिए 1000 रुपये लगता है? हाँ, लेते हैं। ले जाओ आप तो कहते ले जाओ, नहीं ले पाएंगे 200 जो अच्छा, लेते इसकी क्या कोई रसीद वसीद कटती है कि ऐसे ही कोई ले लेता है? कोई रसीद नहीं कटती है उसमें, गाय प्रति मतलब पत्र प्रति गाय या मवेशी ले जाओ तो प्रति गाय 200 रुपये लगता है कि प्रति मवेशी का बोलते हैं 200 रुपये मांगते हैं? हम तो नहीं ले गए हैं तो हमको इतना पता नहीं, लेकिन लोग बाग बोलते हैं। मतलब उसमें रखने के लिए 200 रुपये लगे? हाँ, 200 रुपये लगता है वहाँ। तो उससे आपको क्या लगता है अभी कागज में बन जाए 1 अरब का, जब हमको सुविधा नहीं है, हमारे गांव में मवेशी पड़े हुए हैं, भाई उनको सबको बंद करवाओ ना, आप जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है शासन का करोड़ों अरबों का, तो भाई उनकी वहाँ व्यवस्था करो। हम कहते हैं ले जाके हम पूर्वा फाल में बंद कर देंगे मवेशियों को, और जब उनको भोजन ना मिलेगा, भूसा ना मिलेगा, चारा ना मिलेगा, तो और पाप और पाप लगेगा, गौएं वहाँ मरती हैं, सब ये होता है, ये परेशानी शासन के वहाँ से सब बढ़िया है, पर यहाँ तो कोई सुविधा नहीं है। पूरे 8 विधानसभाओं में की ये समस्या है कि मवेशियों से किसान परेशान है। भले साहब देखिएगा, 2-4 साल में पूरा हिंदुस्तान तबाह हो जाएगा, लोग दानों को लिए तरसेंगे। इसका मुख्य कारण किसे मानते हैं, सरकार को कि ये पब्लिक को, किसे मानते? भाई ये सरकार का है, सरकार कड़ा कदम उठाए ना। हम कहते हैं अगर मैंने मवेशी छोड़ दिया तो हमारे ऊपर कार्रवाई करो ना, कानूनी कार्रवाई करो, जुर्माना करो, हम कहते हमको ही जेल भेजो, क्या छोड़ दिया ए? हमने भैंस को सुबह दूध निकाल लिया, भैंस तो कोई नहीं छोड़ता है, भाई भैंस ज्यादा दूध देती है, गाय 1 पाव 2 पाव देती है, तो गाय का लगा लिए या फिर दूध का लगा दिए, भैंस का बछड़ा भी बिक जाता है और गाय का बछड़ा नहीं बिकता। भाई इसमें प्रतिबंध लगा दिया शासन ने, पहले बंगाल वंगाल में ले जाके मार काट के खाते पीते थे, अब शासन ने प्रतिबंध लगा दिया, तो आखिर गायें तो पाली जाती हैं, बच्चे तो देंगे ही तभी दूध मिलेगा, अब उनको बच्चों को कहाँ ले जाएं? हमने दूध लगा लिया, बच्चों को गैया को छोड़ दिया, शाम को फिर गए तो रात के लाए दूध लगाया, फिर रख दिया।
से गाय मवेशियां तो एक्सीडेंट में मरते ही हैं, हम लोग की भी क्षति होती है। बिल्कुल क्षति होती है जी, बिल्कुल आर्थिक तंगी तो आदमी की हो रही है। अब कहाँ तक शासन कहाँ से मंगाएगा गल्ला? हम कहते हैं आप गल्ला को, एक कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान कहाँ से रह जाएगा। चलिए मेरा लास्ट में एक प्रश्न आपसे है, ये जो सिद्धार्थ तिवारी अगर बीजेपी में चले जाते हैं तो आप इसमें कितना क्या कुछ टिप्पणी करेंगे? देखिए ऐसा है कि मेरे सोच से तो उनको भाजपा में नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। चले गए तो अच्छा, अब चले गए तो उनके अब देखिए विचार है तो आप स्वतंत्र हैं, आपको तो मैं बंधन में बांध नहीं सकता। पर मुझसे मेरी अगर सलाह मानी जाए तो पद देखिए अलग बात है, क्योंकि वो जिस परिवार से आते हैं जाना नहीं चाहिए, नहीं जाना चाहिए। क्योंकि देखिए कांग्रेस पुश्तैनी पार्टी है उनकी, भले कुछ भी हो, तीसरा कुल है उनका। भाई तिवारी जी रहे, तिवारी जी के बाद सुंदरलाल जी रहे, सुंदरलाल जी के बाद ये रहे, भगवान बाबला को ईश्वर की ऐसी कृपा थी कि वो नहीं रह गए, पर उन्होंने भी पार्टी को नहीं छोड़ा। तो देखिए पद के लिए हम कहते हैं आप काहे के ले जाएं कि भगवान ने आपको धन संपन्न दिया है, भाई भाजपा में जाके आप क्या करेंगे? आपकी कोई कदर नहीं होगी, भाजपा में इतने दिग्गज नेता हैं तो आपको कौन पूछेगा है? आज स्वार्थ के लिए चाहे कोई भी पार्टी किसी को टिकट दे दे, किसी को चुनाव लड़ा दे, वो देखिए अलग बात है।